नमस्कार दोस्तों, कैफे अरुंजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सूजी और बेसन से बहुत ही अच्छा नाश्ता, और हेल्दी और टेस्टी दोनों, बड़े बच्चों सभी को पसंद आएगा। आप चाहें तो अपने बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये नाश्ता बनाना। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें ये एक कप सूजी है इसको डाल लेते हैं, और ये आधा कप बेसन है उससे छोटा कप है, इसको भी हम इसमें डाल लिए हैं। उसके लिए बेसन और सूजी हम डाल लिए हैं। एक शिमला मिर्च बारीक काट के ले लिए हैं, दो हरी मिर्च है इसको भी बारीक काट लिए हैं, एक बड़ा प्याज है इसको भी बारीक काट लिए हैं, एक पत्ता गोभी का टुकड़ा, एक गाजर इसको भी महीन महीन कद्दूकस कर लिए हैं, एक टमाटर इसको भी बारीक काट लिए हैं, और धनिया पत्ती, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच ये अदरक घिसा हुआ, और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। तो हम इसमें सबसे पहले नमक डाल देते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार। इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये चाट मसाला पाउडर है इसे भी हम डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही टेस्टी अच्छा आता है। और ये हरी मिर्च, सबको हम मिक्स कर देते हैं। शिमला मिर्च, प्याज, इसमें अभी हमको पानी डालना नहीं है क्योंकि ये सबसे भी पानी निकलेगा, गाजर, पत्ता गोभी, जो भी आपके पास सब्जी है बीन्स है वो भी डाल सकते हैं, टमाटर, अदरक और गरम मसाला। अब हम इन सारे चीज़ को मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये बैटर बना के हम रख लिए हैं, इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, 5 मिनट में हमारा बैटर फूल के बहुत ही अच्छा बन गया है। थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे और स्वादिष्ट बनेगा। गैस पर एक पैन चढ़ाए हैं, इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इस पर हम चम्मच से 2 चम्मच, अब इसको हम फैला देते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरीके से हम
बनने देते हैं। इस तरीके से इसको हम पलट दिए हैं, एक तरफ बहुत ही बढ़िया सीका है, देखिए इसको हम पलट पलट के बना लेते हैं। ये लगभग बन गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए इस पर हम निकाल लेते हैं, इसी तरह हम सारे सबका इसी तरह बना लेते हैं। सबको इसी तरह बना के निकाल लेते हैं। ये देखिए सूजी बेसन का नाश्ता बनके तैयार हो गया, और कितना बढ़िया बना है, एकदम खास था। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।